सब्सक्राइब कीजिए सिंपल्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। फ्रेंड्स, सिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है तीतर की करी। ये बनाना बहुत आसान होता है। आज हम जो करी बनाने जा रहे हैं विलेज स्टाइल करी बनाएंगे, मसाले पीस कर, ताज़ा मसाले पीस कर बनाएंगे, जिसकी वजह से ये करी आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगी। आज मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो इसे बनाना आपके लिए उतना ही आसान हो। यहाँ पर मैंने तीतर ले लिया है, आधा किलो तीतर लिया है, जिसे मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके रख दिया था। जो खड़े मसाले चाहिए हमें वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया ले लिया है, साबुत धनिया, शाहजीरा 1 टीस्पून, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, तेज़पत्ता ले लिया है 3 से 4, यहाँ पे मैं छोटा तेज़पत्ता ली हूँ। दालचीनी ले ली है मैंने, दालचीनी के यहाँ पे मैंने 1 इंच के 2 टुकड़े लिए हैं। एक करन फूल ले लिया है, 8 से 9 काली मिर्च, 8 से 9 लौंग और कुछ सूखी मिर्ची ले ली है। सूखी मिर्ची यहाँ पर मैंने 15 से 20 ली है। यहाँ पर मैं छोटी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ जो अक्सर तीखी होती है, तो आप अगर आपके पास मिर्ची फीकी है तो आप अपने हिसाब से तीखा घटाया बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये हमारे जो साबुत मसाले है वो देख लिए हैं, बाकी हमें जो मसाला पीसना है वो देख लेते हैं। अदरक ले लिया है, 2 इंच का अदरक के टुकड़े ले लिए मैंने। लहसुन ले लिए, कुछ लहसुन की कलियाँ, जितना हम अदरक लेंगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन लेंगे। प्याज ले लिए मैंने। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज हम विलेज स्टाइल का भी बना रहे हैं, तो प्याज हमें भूननी है, गैस पर इसे भून लेंगे। सूखा खोपरा ले लिया मैंने, देखिए मैंने आधा बाटी सूखा नारियल लिया है। हरा धनिया ले लिया है, हरा धनिया हम यहाँ पे भी डालेंगे क्योंकि मसाले को अच्छा सा कलर आ जाए और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगे, और जब हम करी बनाएंगे तब भी हरा धनिया उसमें ऊपर से गार्निश के लिए डाल देंगे। तो ये हमने हमारे जो मसाले थे जिसे भूनना है और पीसना है वो देख लिए है। हल्दी पाउडर ले लिया मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर धनिया पाउडर हमने इसलिए लिए है क्योंकि हम जब मटन अपना उबलने के लिए डालेंगे तब इसमें ये हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हरा धनिया करी के लिए और तेल इस मसाले को फ्राई करने के लिए और हमारी जो तीतर की करी है उसे बनाने के लिए। तो चलिए, हमने अपने आज के सारे इन्ग्रीडियंट्स देख लिए, तो जल्दी से चलते हैं हमारे सारे मसाले भूनने की तरफ। और सबसे पहले हम अपना जो मटन है उसे बॉइल कर लेंगे। मटन यहाँ पर बॉइल करने को थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। नॉर्मली हम जब चिकन या मटन बॉईल करते हैं उससे इसे दुगना समय लगता है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। मटन बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तेल डाल देंगे सबसे पहले इसमें, देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें मटन डाल देंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हमने जो मटन धो के रख दिया था अच्छे से वो डाल देंगे। बाकी जो मसाले हमने मटन के लिए रखे थे वो डाल देंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हम यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो मटन है उसका उसमें स्वादिष्ट होता है और ये खाने में उतना ही टेस्टी लगे। आप अगर चाहें तो थोड़ी सी अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखी है हमने, हाई फ्लेम पर इसे चला देंगे। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। पानी डाल देंगे इसमें, एक बार चला देंगे इसे अच्छे से ताकि हमारा जो पानी है वो और मटन अच्छे से मिक्स हो जाए। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये हमने जो मटन है अपना उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। जल्दी से हम अपने बाकी के जो खड़े मसाले उसे भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सारे खड़े मसाले लिए थे उसे भून लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन गर्म कर लिया है। ये सारे मसाले डाल देंगे इसमें, चला देंगे इसे। अब इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के, जब तक के हमारे जो मसाले वो हल्के से भून नहीं जाते और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक के इसे भून लेंगे। ये हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसालों में से। तो अब हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सेम प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। ठंडा होने देंगे, ठंडा हो जाए तभी हम इसे पीस लें। हमने अपने जो सूखे मसाले थे खड़े मसाले उसे भून लिया है और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब ये जो हमने मसाले लिए थे, अदरक लहसुन, हरा धनिया, प्याज और सूखा नारियल, इसे हमें पहले सूखा नारियल और प्याज को अच्छे से भून लेना होगा। और प्याज को ले लेंगे, प्याज को हम हल्का सा ठेस लेंगे और इसे हम भून लेंगे। ठीक है, ये हमारी जो प्याज है, दोनों भी प्याज को मैंने अच्छे से फोड़ दिया है
बस थोड़ा सा फोड़ना है हमें इसे। देखिए मैंने चाली रख दिया गरम के लिए, अब हम उस पर ये प्याज भूनने के लिए रख देंगे। देखिए मैंने पहले ही गैस पे चाली रख दी थी, ये प्याज रख देंगे इस पर। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे पलटते हुए अच्छे से भून लेंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो प्याज अच्छे से भून चुकी है। हमें यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब हम अपनी प्याज भूनेंगे इसे अंदर तक की अच्छे से भून जाए, तब तक इसे चलाते हुए भून लेंगे। ये नहीं कि ऊपर का जल गया है और हम गैस बंद कर देंगे और प्याज भून चुकी है। ऊपर का भले ही जल जाए, हमें उसका ऊपर का छिलका उतार के वैसे भी फेंक ही देना है। तो प्याज की हमारी अच्छे से अंदर तक भून चुकी है, अब इसे निकाल लेंगे और हमने जो सूखा नारियल रखा है वो उसे सूखा नारियल ले लेंगे और इसे भी ऐसे पकड़ के अच्छे से सब साइड से भून लेंगे। देखिए हमने अपना प्याज और जो सूखा नारियल है उसे भून लिया अच्छे से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका हमें ऊपर का जो छिलका है वो निकाल लेना है। बस अपने हाथों से इसे निकाल लेंगे, काट लेंगे इसे। आप चाहे तो हाथ से भी इसे तोड़ सकते हैं। देखिए हमारी प्याज अंदर तक के अच्छे से भून चुकी है। तो ये मैंने हमारे जो नारियल है उसे काट लिया है, प्याज अच्छे से हमारी भून चुकी है। ये हमारे जो मसाले हैं इसे पीसेंगे और जो हमारे खड़े मसाले थे वो भी ठंडे हो चुके हैं, इसे भी पीस लेंगे। सबसे पहले हम ये जो खड़े मसाले हैं उसे पीसेंगे, पहले से मिक्सी में डाल के चला देंगे, इसके अच्छे से बारीक पाउडर बन जाए। उसके बाद पानी डाल देंगे और इस मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। जब ये मसाला पीस जाएगा हम ये वाला मसाला भी मिक्सी में चला के जैसे ज़रूरत हो वैसा पानी डाल के इसे भी पीस लेंगे। तो चलिए हमारे जो मसाले उसे पीस लेते हैं। देखिए ये हमारी जो पेस्ट है दोनों भी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब हम इसे पैन में भून लेंगे। ये जो हमारे मसाले पीस के हो चुके हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल देंगे इसमें। तेल गर्म हो चुका है हमारा, मसाले डालेंगे। मसाले हमने जो दोनों पीसे थे हमें साथ में नहीं डालना है, हमने जो सूखे खड़े मसाले पीसे थे वो पहले ही भून चुके हैं और जो हमने पेस्ट पीसी थी दूसरी प्याज अदरक लहसुन की, अदरक लहसुन उसमें कच्चा था। तो सबसे पहले हम जो अदरक लहसुन वाला मसाला है वो डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये जो हमारी मसाले हैं इसे डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हमारा मसाला थोड़ा सा भून नहीं जाता या 3 से 4 मिनट तक के इसे पका लेंगे। हमारे जो मसाले वो अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं ये मसाला अपना जो पानी था वो सारा सूख चुका है और ये मसाले का कलर देख सकते हैं, ये इसका कलर चेंज हो चुका है हमारे मसाले। इसका मतलब है कि अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसे साइड में कर देंगे। देखिए मैंने तेल डाल दिया इसमें, खड़े मसाले जो हमने पीस के रख दिए थे डाल देंगे इसमें। चला देंगे इसे भी। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 1 मिनट तक के चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक के ऐसे ही भून लेंगे और फिर हमारे जो दोनों मसाले इसे मिक्स करके और फिर इसे अच्छे से भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, हमारे जो मसाले ये भून चुके हैं, आप देख सकते हैं मसालों से तेल निकलने लगा है। मिक्स कर लेंगे इसे, पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं मटन का जो पानी है वही डाल रही हूँ, पानी डाल दिया। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि हमारे जो मच्छी मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए और मसालों से तेल निकलने लगे। हमारे जो मसाले वो अच्छे से पक चुके और ये हमारे मसाले तेल छोड़ने लगे। तो अब हम इसमें हमने जो मटन बॉईल करके रख दिया था वो डाल देंगे। चला देंगे इसे, हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक हमने कोर्स जब हमने बॉईल कर लिया था उसमें भी डाला था, तो नमक हम यहाँ पे ध्यान से डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे एक बार और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक के इस मटन को मसाले में अच्छे से पकने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो मटन है मसाले में अच्छे से पक चुका है। पानी ऐड कर देंगे इसमें, यहाँ पे आपको जितना पानी चाहिए, जितनी गाढ़ी पतली जैसी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। चला देंगे इसे और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई कर दी है मैंने, इसे मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने तक के इसका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक के पका लेंगे। उसके बाद हमारी जो ग्रेवी है वो बनके बिल्कुल तैयार है।
इसे सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे। हमारी जो कभी है वो बन के एकदम तैयार है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक के पका लिया है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि हमने ये जो कभी बनाई है ये खड़े मसालों की बनाई है, ताजे मसाले पीस के बनाई है। ताजे मसालों की बात ही कुछ और होती है। कभी एक्चुअली में विलेज में बनाई जाती है, गाँव में बनाई जाती है, तो वो हमने आपको रेसिपी ये बता दी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।